आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि काफ़ी लोग फाउंटेन्स में सिक्के फेंकते रहते हैं। तो एक टाइप का एक फाउंटेन है जिसमें हर सप्ताह में 10 लाख रुपए सिक्के के रूप में फेंके जाते हैं। और क्या आपने कभी टोकरी बास्केट के जैसे घर को देखा है? नहीं ना, तो आप इस वीडियो में कुछ इस टाइप की बिल्डिंग्स को देखने वाले हो जिनको देखकर आप यकीन नहीं करोगे कि ये रियल हैं। और क्या आपको पता है कि अगर मुकेश अंबानी एक दिन में 10 करोड़ रुपए खर्च करें तो उनको अपने सारे रुपए खर्च करने में 100 से भी ज़्यादा साल लग जाएंगे। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रेंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको सुनकर आप बोलोगे माइंड ब्लोइंग। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, साउथ कोरिया में एक इंसान रहता था जिसका नाम था सिम जे डक। इनके साथ एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था जिसके चलते इनका नाम पड़ गया था मिस्टर टॉयलेट मैन। इनकी जो माँ थी वो इनको बाथरूम में जन्म दिया था और बड़े होने पर इनका जो बिजनेस था, काम था, वो भी टॉयलेट से ही रिलेटेड था। और इनके साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो कि टॉयलेट से ही रिलेटेड थी, पता नहीं कैसे। फिर क्या हुआ, काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने अपने पूरे घर को तोड़ डाला और तोड़ने के बाद इन्होंने अपना पूरा पैसा लगा कर एक ऐसा घर बनाया जो कि टॉयलेट के शेप में है। आप देखो, ये है उनका टॉयलेट घर और वो मरते दम तक यहीं पर रहे। और अब इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। सोचो, एक टॉयलेट शेप के घर के थ्रू सिम जे डक फेमस हो गए थे। एक्ट नंबर 2, ओहायो का जो ये बास्केट बिल्डिंग है इसे पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डिंग में से एक माना जाता है। ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है और इसे बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर में बनाया गया है। देखो, ऐसी बिल्डिंग जो कि एक टोकरी मीन्स बास्केट के जैसी दिखती है, ये असल में लोंगा बर्गर कंपनी का ऑफिस है। और ये कंपनी जो ये बास्केट होता है, रियल वाली टोकरी, इसे ही बनाती है। अपने टोकरी के बिजनेस के चलते इस कंपनी ने काफ़ी पैसे कमाए। इसी सक्सेस के चलते इस कंपनी ने अपने ऑफिस को टोकरी के रूप में बदल दिया। नाइस। एक्ट नंबर 3, टोक्यो में एक ऐसा बार मौजूद है जहां पर आप इंसानों के साथ नहीं बल्कि पेंगुइन्स के साथ बैठकर खाना खा सकते हो, डिनर कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। और इस बार का नाम है पेंगुइन बार इकेबुकोरो। एक्ट नंबर 4, जो वर्ल्ड के फेमस फाउंटेन्स होते हैं, ऐसे टाइप के फाउंटेन्स, उनमें बहुत सारे टूरिस्ट बहुत सारे सिक्के फेंकते हैं डोनेशन के पर्पज़ से। तो फाउंटेन्स में जो सिक्के फेंके जाते हैं वो सब चैरिटी के लिए जाते हैं। तो इटली में एक फाउंटेन्स है जिसका नाम है टेवी फाउंटेन। और ये फाउंटेन हर वीक $15,000 यानी हर एक सप्ताह 10 लाख रुपए कलेक्ट करता है सिर्फ कॉइन्स। सोचो, ये कितनी अमेजिंग बात है, पर इसका ज़्यादातर रुपया चैरिटी में जाता है जो कि अच्छी बात है। एक्ट नंबर 5, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर किस जानवर का होता है? तो इसका आंसर है जिराफ, क्योंकि जिराफ जो है ना ये बहुत लंबा होता है। और आपको तो पता ही होगा कि किसी भी जानवर का जो ब्लड होता है वो इस इंड से इस इंड तक सर्कुलेट करता है। तो जिराफ में ब्लड काफ़ी ऊपर तक जाता है जिसके चलते ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड को जिराफ के सर तक जाना पड़ता है जिसके चलते ब्लड पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो यही रीजन है जिसके चलते जिराफ का पूरी दुनिया के सभी जानवरों से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। फैक्ट नंबर 6, पांडा जो होते हैं ये वाले, इनमें ये पाया गया है कि जब ये सैड होते हैं तब ये अकेले बैठ जाते हैं एक शांत जगह पर, हम इंसानों की तरह सभी पांडाज से अलग होकर एकदम शांत प्लेस में। ये पांडा में पाया जाता है, ऐसा और कई जानवरों में भी होता है, बट पांडा में बहुत अजीब टाइप से होता है। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि रियल में कोई इंसान सैड होकर बैठा है। फैक्ट नंबर 7, अब आप इस पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डिंग्स के बारे में जानने वाले हो जो अजीब प्रकार से बनाई गई हैं। देखो, ईस्ट आर्ट गैलरी टोक्यो जापान, ये बिल्डिंग 1979 में बनाई गई थी और ये पूरी दुनिया की सबसे कूलेस्ट बिल्डिंग डिजाइंस में से एक मानी जाती है। देखो आप इसे। इसके बाद आती है हाउस पोर्टुगल, ये बिल्डिंग 1974 में बनाई गई थी। ये दो असली के पत्थर, टू रियल रॉक्स और कंक्रीट के मिक्सचर से बनी है और ये पुर्तगाल में मौजूद है। इसके बाद आती है ला पिड्रेस स्पेन, ये भी स्पेन की अजीब सी बिल्डिंग है, आप इसको देख सकते हो। फिर आती है द क्रुक्ड हाउस पोलैंड, ये बिल्डिंग बिल्कुल हम लोग अगर किसी असल घर को डिस्ट्रॉयड कर दें या फिर पानी का इफेक्ट लगा दे तो जैसा दिखता है उसी के जैसे दिखती है ये घर। देखो देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है, ये पोलैंड में बना सबसे अमेजिंग घर है। ये देखो, ये ऐसा लगता है कि गिरने वाला है। तो ये कुछ बिल्डिंग थी जो कि देखने में बिल्कुल अजीब सी दिखती हैं। फैक्ट नंबर 8, आपको मैंने एक बार अपने किसी वीडियो में बताया था कि आने वाले कल को टुमारो कहते हैं,
उसके बाद वाले को कहते हैं ओवर मारो परसों, मतलब आने वाले कल को टुमारो और आने वाले परसों को ओवर मारो, ठीक है। पर बीते हुए कल को इंग्लिश में यस्टरडे बोलते हैं, बट जो बीता हुआ परसों होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है? अगर पता हो तो कमेंट में बताना। देखो, जिस तरह टुमारो ओवर मारो होते हैं आने वाले कल और आने वाले परसों, उसी तरह बीता हुआ कल यस्टरडे एंड बीते हुए परसों को इंग्लिश में ईरी यस्टरडे कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इसकी स्पेलिंग को देख सकते हो। बात यह है कि ये बहुत कम लोगों को पता होता है। टुमारो एंड यस्टरडे तो सबको पता होता है, बट ओवर मारो एंड ईरी यस्टरडे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 9, मुकेश अंबानी इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो टोटल नेटवर्थ है, पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो 54 बिलियन डॉलर्स है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर वो 1 करोड़ रुपया डेली खर्च करें तो उनको 1000 से भी ज़्यादा साल लग जाएंगे अपने पूरे के पूरे पैसे को खर्च करने में। अगर वो 10 करोड़ रुपया डेली खर्च करें तब उनको पूरे पैसे को ख़त्म करने 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। डैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया का नाम इंडिया इसलिए है क्योंकि ये नाम असल में एक इंडस नाम की रिवर से लिया गया है। हाँ, इंडिया नाम इंडस नाम की रिवर से लिया गया है। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये पहले से ही पता था क्योंकि ये तो स्कूल में ही बताया जाता है, पर जिनको नहीं पता था उसके लिए मैंने ये बताया। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने जेब्रा देखा है? देखा होगा। डोंकी देखा है? गधा, देखा होगा। बट क्या आपने जोंकी देखा है? नहीं ना। तो देखो, जेब्रा और डोंकी का एक रेयर क्रॉस ब्रीडिंग होता है, तब जो बच्चा बनता है उसे जोंकी कहते हैं और इसे जी डोंक भी कहते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।